अभी दोपहर का टाइम है, 1 बज रहा है, देख लो 1:15 हो रहा है, इसलिए अभी ज़्यादा गर्दी नहीं है। सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ डांगे चौक का जो वेजिटेबल मार्केट, उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं आज जा रहा हूँ थ्रू मोटो ब्लॉग। तो मैं अब से जो है ना, ये इंट्रो फेस के साथ मैं अब हर एक वीडियो में डालने वाला हूँ। सो आई होप कि आपको देखने में मज़ा आएगा। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ से डांगे चौक स्टार्ट होता है, बट जो भांजी मार्केट है वो कुछ दूर आगे से स्टार्ट होता है। और आज संडे है, या फिर कोई भी दिन रहने दो, डे मतलब, तो ट्रैफिक इधर मिलता ही मिलता है। सो गाइस, ये जो मार्केट है ये वीकली मार्केट लगता है, ओनली फॉर संडे, एंड हर सप्ताह के आप रविवार को यहाँ पे आ सकते हो। एंड यहाँ पे भाजी के अलावा बहुत सारा, मतलब कि अलग अलग का आइटम्स आपको मिलेंगे, कपड़े हो गए, किचन मटेरियल हो गए, और बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे चीज़ जो आपको होम यूज़ के हैं वो सब कुछ आपको इस मार्केट में, जो वीकली मार्केट है संडे वाला, यहाँ पे आपको मिलेगा। गाइस, आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लग रहा है ना, थोड़ा के बदले बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक लग रहा है, क्योंकि आगे जो है ना मार्केट वगैरह लगा हुआ है सब्जी वगैरह का, जो रोड तक आता है। और संडे है ना, संडे का दिन है, इसके लिए बहुत दूर दूर से, मतलब कि जो ये पुणे जो है ना, पुणे के आसपास में जितने सारे विलेज है वहाँ से डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट फार्मर के घर से, मतलब वहाँ से आता है यहाँ पे सब्जी भाजी वगैरह। तो देख लो आप मेरे दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में अलग अलग टाइप के भाजी वगैरह बहुत सस्ते सस्ते रेट पे आपको मिलेगा। तो आप ना यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे सुक्कट बॉम्बिल, मतलब सुक्का मछली भी मिल रहा है। एंड इधर कपड़े वगैरह का है फुटपाथ पे, एंड ये साइड साइड में भी आप देख सकते हो, साइड साइड में भी लगा के रखा हुआ है। तो हम अभी इधर जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब जो है मैं, ये जो ब्रिज है, इसके ब्रिज से एक बीच से रास्ता है, वो बीच वाला रास्ता से होकर के ना मैं ये इधर के तरफ जाऊंगा, ये क्या बोलता है, फिर से भाजी मार्केट के तरफ। तो मैं आगे जा रहा हूँ अभी यूटर्न लेने के लिए, यूटर्न ले करके फिर से अब मैं उधर से आऊँगा, एंड उसके बाद फिर से चिंचौड़ के तरफ रास्ता जाता है, उधर के तरफ मैं चलूँगा। सो लेट्स गो। गाइज, इधर यहाँ से मुझे लेना है यू टर्न, एंड यू टर्न लेकर के हमें सीधे फिर से डांगे चौक के तरफ जाना है। एंड मैं अभी जाऊँगा बीच वाले रास्ते से, क्योंकि बीच वाले रास्ते से इसीलिए मैं जा रहा हूँ ना, कि वहाँ पे जो है ना, ये हाँ अब मैं बात कर लूँ, ये मतलब बहुत सारा चीज़ जो है, अलग अलग आइटम्स जो है वो पीछे की तरफ लगता है, तो मैं आपको पीछे की तरफ वाला भी दिखाता हूँ, मतलब कि डांगे चौक का जो ब्रिज है उसके दोनों ब्रिज के बीच में स्टार्टिंग, तो मतलब पीछे साइड में लगता है कपड़े का दुकान हो गया, और किचन मटेरियल वगैरह का वो सब चीज़ ना इधर लगता है। तो मैं इधर से अभी जा रहा हूँ, एंड यहाँ से सीधे मैं होते होते मैं निकल जाऊँगा, कहाँ मैं निकल जाऊँगा, चिंचौड़ की तरफ। सो लेट्स गो। तो गाइस, यहाँ से ये मार्केट स्टार्ट हो गया, आप देख लो दोनों तरफ गाड़ी है, ये गाड़ी से डायरेक्ट महाराष्ट्र के अलग अलग विलेज, जो पुणे के नियर बाई विलेज है वहाँ से होकर के आता है ये सब चीज़ यहाँ पे, यहाँ से कपड़ा वगैरह, यहाँ पे कपड़ा है, एंड इसके कुछ दूर आगे आपको भाजी मिलेगा, और इधर ये किचन मटेरियल देख लो, बर्तन वगैरह, एंड अभी तक यहाँ कपड़ा
अभी फिर भाजी बटाटा कांदा सगळं तुम्हाला भेटतं इकडं, काय भाजी वगैरे घ्यायचं तर या एकदा नक्की। अभी दोपहर का टाइम है, 1 बज रहा है, देख लो 1:15 हो रहा है, इसलिए अभी ज़्यादा गर्दी नहीं है। गर्दी होगा तब जब 5 बजेगा, 6 बजेगा शाम का टाइम होगा, तब गर्दी होगा, अभी गर्दी नहीं है। अभी हम 1-2 घंटे बाद फिर से हम भाजी लेने के लिए वापस आने वाले हैं। ये तो मैं वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ और मैं फिर से अभी जाऊँगा घर पे, घर पे जा कर के फिर से रिटर्न आऊँगा भाजी लेने के लिए। सो ये था कुछ डंगे चौक का मार्केट। तो एंड यहाँ पे मेरे राइट साइड में शिवाजी पार्क है, इसको भी कभी एक्सप्लोर करने के लिए हम आएंगे और यहाँ पे भी व्लॉग वगैरह शूट करेंगे। सो ये एंट्री मेन गेट है, तो यहाँ पे हम आएंगे। सो अभी फ़िलहाल हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। सो गाइस, ये था कुछ आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको देखने में मज़ा आया होगा, और देखने में मज़ा आया तो आपको मालूम है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, ये जो वीडियो है मैं GoPro के कैमरा के साथ बना रहा हूँ, सो इसके लिए मुझे नहीं मालूम कि वॉइस क्वालिटी इसका कैसा है। आई होप कि इसका वॉइस क्वालिटी भी बढ़िया होगा, क्योंकि मैं ये चेक करने के लिए बना रहा हूँ कि कैसा है इसका वॉइस क्वालिटी। सो आई होप बढ़िया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।